में हमने पढ़ा था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और उसके नेचर को। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था स्कोप, उसके एरियाज और उसके इवेल्यूएशन को पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग उसके जो टाइप्स हमने पढ़े थे उसके एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसका उसका लिंक इसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप इस चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये यूनिट का जो ये क्वेश्चन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर वही चीज़ होगी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीनों को कंपैरेटिव स्टडी के रूप में पूछा जा सकता है, तीन चीज़ों को। और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो अलग अलग करके उसके शॉर्ट नोट आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है गाइडेंस 3 टाइप्स के होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो आज हम लोग पर्सनल गाइडेंस और इन तीनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे, पर्सनल गाइडेंस को, एजुकेशनल गाइडेंस को और वोकेशनल गाइडेंस को, ठीक है। तो आज सबसे पहला जो है पर्सनल गाइडेंस, वो क्या होता है। पर्सनल गाइडेंस मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो भी हमारे व्यक्तिगत समस्याओं पर आधारित, हमें व्यक्तिगत समस्याओं के लिए जब किसी निर्देशन की आवश्यकता होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। जो कि हम सभी से नहीं कह सकते, वो हमारी पर्सनल बात होती है। जैसे हम मान लो किसी माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या किसी स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये सबकी समस्या तो है नहीं, ये हमारी समस्या है। तो हम इसके लिए किसी वहाँ के सीनियर व्यक्ति से निर्देशन ले सकते हैं कि यहाँ पे हम कैसे काम करें कि यहाँ पे हम एडजस्ट हो जाएं, यहाँ पे हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। या हम घर में किसी समायोजित नहीं हो पा रहे तो घर में जो बड़े हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं, कि उनसे डायरेक्शंस लेते हैं कि हम किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। जो कि आजकल सबसे बड़ा इशू है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो टाइम कैसे मैनेज करें कि हम अपने नए घर में या अपने नई परिस्थिति में अच्छी तरह से समायोजित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप में जो हम गाइडेंस लेते हैं वो कौन सी गाइडेंस होती है, पर्सनल गाइडेंस होती है। पर्सनल गाइडेंस आप देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इन दिस वे वन नीड्स पर्सनल असिस्टेंस और हेल्प फॉर सेटिस्फाइंग वंस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो क्या है कि इस रास्ते से हम क्या करते हैं, पर्सनल असिस्टेंस करते हैं, किसी की व्यक्तिगत सहायता करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे सहायता करते हैं और उसकी मदद करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग वंस एडजस्टमेंट, उसको समायोजित होने के लिए, उसको भरी भांति समायोजित होने के लिए किसी परिस्थिति में, किसी स्थान पर, ओके। फिर है दस पर्सनल गाइडेंस इज असिस्टेंस ऑफर्ड टू अ पर्सन टू सॉल्व हिज सोशल इमोशनल मॉरल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसका कोई सोशल प्रॉब्लम है कि वो उसका किसी से बन नहीं रहा है, या किसी से उसकी बात ठीक नहीं हो रही है, या वो उसको सब लोग डोमिनेट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी स्कूल में किसी छात्र को पर्सनली, या किसी संस्था में किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पे उसको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सोशल इमोशनल एंड इमोशनल तौर पे, जैसे किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है या किसी को रोना बहुत जल्दी आता है, तो उस प्रॉब्लम से वो कैसे अपने आप को उबार सकता है, इसके लिए उसको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि सबको बार बार गुस्सा नहीं आता, लेकिन किसी एक व्यक्ति को बार बार गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए सबको तो गाइडेंस नहीं दे सकते ना, उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति को हमें गाइडेंस देना है, उस व्यक्ति को गाइडेंस चाहिए ना कि सबको गाइडेंस चाहिए। तो ये गाइडेंस कौन से टाइप में जाएगा, ये हमारा पर्सनल गाइडेंस होगा। फिर हेल्थ प्रॉब्लम भी सबकी अलग अलग होती है, किसी को बीपी प्रॉब्लम है, किसी को शुगर प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पर्टिकुलर उस व्यक्ति को आप गाइड करोगे ना कि सबको आप बीपी की दवा खिला दोगे, बीपी के लिए आप परहेज़ करा दोगे, शुगर का परहेज़ करा दोगे, नहीं ना। तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए होता है, इसलिए ये जो हेल्थ गाइडेंस होती है वो कौन से गाइडेंस में आती है, पर्सनल गाइडेंस में आती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है हॉपकिंस ने दी थी, वो है पर्सनल गाइडेंस इज़ दैट गाइडेंस इज़ दैट विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ, इमोशनल एडजस्टमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल।
किसी व्यक्ति की जो है कि उस प्रॉब्लम से संबंधित है, जो वो प्रॉब्लम कैसी होती है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, उसकी भावनाओं से संबंधित हो सकती है, उसके समायोजन से संबंधित हो सकती है या उसके सामाजिक समायोजन से संबंधित हो सकती है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिज रिक्रिएशनल एंड लीज़र टाइम प्रॉब्लम्स, ये उसके समय से संबंधित समस्याओं से भी संबंधित हो सकती है, ठीक है। अब इसका हम लोग अगर नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस की बात करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का अस्तित्व तो तभी है जब जब उसका उसकी हमें आवश्यकता है, उसका महत्व तो हमारी लाइफ में होगा तभी हमें उस वो चीज़ आती है समाज में। बिना किसी आवश्यकता के कोई भी वस्तु समाज में नहीं आती है या कोई भी कॉन्सेप्ट समाज में नहीं आता है। तो इसकी समस्या कैसे हुई, इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ है, ये हम लोग आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। पहला जो है वो है क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम एंड सीकिंग बेटर एडजस्टमेंट। आजकल सब लोग अपने जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या घर में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और व्यक्ति जो है वो अपने आप को अच्छा प्रूफ करना चाहता है, अच्छा प्रेजेंट करना चाहता है, इस वजह से वो उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर दूसरा है सोशल नीड्स ऑफ पीपल्स, क्योंकि जो मानव है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो उसको समाज में रहने के लिए कहीं ना कहीं समायोजन करना ही पड़ता है, क्योंकि आप एक अपने एटीट्यूड, आप अकेले तो नहीं रह सकते, आपको समाज में ही रहना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि हम समाज में अच्छे किस तरह से बने रहें, और समाज में वही व्यक्ति माना जाता है या पहचान पाता है जो कि अच्छा बिहेव करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओवरकम द पर्सनल एडजस्टमेंट। जो भी पर्सनल एडजस्टमेंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब परिस्थिति से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होगी, तो आपकी समस्याओं को ओवरकम करना मतलब दूर करने के लिए इस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट है डे टू डे लाइफ। हम लोग आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी लेक्चर वन या लेक्चर टू में बता रखा है कि गाइडेंस की नीड हमारे हर दिन हमें इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमें कहीं भी जाना है, हमें मान लीजिए चिन्हट से सिटी कॉलेज ही आना है, तो हमें उसका रास्ता कहाँ कौन बताता है, गूगल मैप बताता है। तो गूगल मैप हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शंस ही तो दे रहा है, गाइडेंस ही तो दे रहा है, तभी तो हम पहुंच पा रहे हैं। या हमने किसी अपने फ्रेंड से भी रास्ता पूछा कि बताओ भैया कैसे जाऊंगा, तो वो आपको रास्ता बताएगा, तो वो आपको गाइड ही तो कर रहा है कि इस रास्ते से जाओ। अब वो आपको फोर्सफुली कह तो नहीं रहा है कि नहीं आप इसी रास्ते से जाना, आप अगर दाएं बाएं मुड़े तो फिर वो आप उसमें जो भी इम्प्रोवाइजेशन करोगे वो आप दूसरे रास्ते से पहुँचोगे, ठीक है। तो ये हर दिन हमारे लिए इसकी ज़रूरत होती है। फिर वैल्यूज़ डेवलपमेंट, वैल्यूज़ क्या होते हैं, सच बोलना, ईमानदार बने रहना, तो इन सब के भी डेवलपमेंट के लिए कि हम आजकल के समाज में, आजकल की परिस्थिति में हम अपने वैल्यूज़ को किस तरह से आगे रख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम मतलब हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी ना आए, तो हम किस तरह से काम करें इस समस्या से समाधान के लिए भी हमारे पर्सनल गाइडेंस काम करती है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ताकत होती है, कुछ मजबूतियाँ होती हैं, तो कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। उन कमज़ोरियों को दूर करने का रास्ता किससे जाता है, पर्सनल गाइडेंस से जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको सब कुछ आता है, बस वो मैथ्स में थोड़ा वीक है, ठीक है, उसको मैथ्स में वीक है। या कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छा मान लीजिए बिहेव करता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। तो ये उसका पर्टिकुलर उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है, ये उसकी वीकनेस है, उसकी लाख अच्छाइयाँ हैं, उसकी वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वो बहुत अच्छा, उसके पास नॉलेज है, वो बहुत अच्छा, उसके लाख क्वालिटीज़ हों, लेकिन बस एक वीकनेस क्या है उसकी, कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो उस गुस्से को, उस वीकनेसेस को दूर करने के लिए हमें उसकी गाइडेंस करनी होगी कि उसको अगर गुस्सा आता है तो किस परिस्थिति में आता है, और अगर उस परिस्थिति में वो किस तरह से बिहेव करे कि उसको गुस्सा ना आए,
तो इसके लिए हमें उसको पर्सनल गाइडेंस देनी पड़ती है, इसके लिए वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, इट डील्स विद ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विच आर नॉट कवर्ड बाय एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। देखिए, एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के अलावा जितने भी हमारी लाइफ में समस्याएँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सारी हमारी पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। एजुकेशनल गाइडेंस देखिए, तो एजुकेशनल गाइडेंस क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस इज एजुकेशनल गाइडेंस। शिक्षा के दौर में आजकल हम हर कोई पढ़ने जाता है, हर कोई पढ़ता है, तो उसके लिए उसको क्या है, उसको अपनी पर्सनल एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए कि वो किस स्कूल में जाए, कौन से बोर्ड से पढ़े, क्या करे, कैसे किस कोचिंग में पढ़े कि तैयारी करे, कहाँ से क्या पढ़े। तो इन सब ये सब जो गाइडेंस होती है वो कौन सी होती है, ये एजुकेशनल गाइडेंस होती है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करे, कौन सा करियर चूज़ करे, उसके जो उसका एम है, जैसे किसी का एम है इंजीनियर बनना, तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकता है, कौन सा उस सब्जेक्ट की पढ़ाई किस इस कॉलेज में अच्छी होती है, किस बोर्ड में मार्क्स अच्छे आते हैं, किस बोर्ड से पढ़ के वो अच्छा एक इंजीनियर बन सकता है, ये सारी चीज़ें किस में हम उसको गाइड करेंगे, एजुकेशनल गाइडेंस में करेंगे। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें लिखा क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस इज एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, ये जैसा कि आप लोग जानते हो बहुत आवश्यक है। एजुकेशनल गाइडेंस इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द पीपल विद द प्यूपल। किससे ये कंसर्न्ड होता है, प्यूपल से, मतलब छात्रों से डायरेक्टली इसका संबंध होता है। ठीक है, एजुकेशन गाइडेंस इज एम्ड टू हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल। आपको पता है कि एजुकेशन कितने स्तरों पे होता है, तीन स्तरों पे होता है, पहला एलिमेंट्री लेवल, फिर मेडुअल, फिर यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, तो उस हर लेवल पे कि हमको अगर मान लीजिए डे केयर में भी सिंपल बच्चों को डालना है, तो हम ज़रूर अपने जो भी हमारे दोस्त हैं जिनके बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनसे पूछते हैं कि कौन सा डे केयर अच्छा है, कौन सा अगर प्ले ग्रुप में डालना है तो कौन सा प्ले स्कूल अच्छा है, और उसके अलावा अगर कोई स्कूल में डालना है रेगुलर स्कूल्स में तो कौन सा स्कूल बेहतर है, कौन सा बोर्ड अच्छा होगा हमारे बच्चे के लिए, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, कौन सा जैसे बीए बच्चा करे या बीएससी करे या बीकॉम कराएं या बी फार्मा कराएं, क्या कराएं। तो ये सारी गाइडेंस किस में आती है, हर लेवल पे यूज़ होती है एजुकेशनल गाइडेंस में। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन देख लीजिए जो कि जोन्स ने दी थी। एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड टू द पीपल्स विच इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द एडजस्टमेंट ऑन द स्कूल सिलेक्शंस ऑफ करिकुलम एंड स्कूल लाइफ। वही चीज़ जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि करिकुलम एडजस्टमेंट में और स्कूल में, स्कूल को चुनने में आपकी जो मदद करता है, जो गाइडेंस आपको मदद करता है, वो कौन सा है, एजुकेशनल गाइडेंस है। ठीक है, अब इसकी फिर वही चीज़ है कि इसकी आवश्यकता भाई क्यों है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, पहला जो महत्व है इसका, एटीट्यूड एंड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। जैसे अगर हम बच्चे के अकॉर्डिंग स्कूल चूज़ करते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बोर्ड का चयन करते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर वीक है उसको अगर हम सीबीएसई बोर्ड में डाल दें तो क्या वो अपना 100% दे पाएगा, वो तो वहाँ डिप्रेशन में हो जाएगा ना कि सारे बच्चे अच्छे हैं, सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं ही अच्छा नहीं हूँ। तो इससे बेहतर है कि हम उसको किसी और बोर्ड में डालें जिसमें कि वो बेहतर कर सकता है काम। ठीक है, तो ये होगा कि उसका बिहेवियर जो होगा वो फॉर्म करने के लिए ये गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फिर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग है, हर बच्चा एक दूसरे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको उसकी जो विभिन्नताएँ हैं दूसरे व्यक्ति से, उसको जाँच कर, उसको देख कर, उसका अंदाज़ा लगा कर, हम उसको उसके अकॉर्डिंग जो सही है उसके गाइडेंस देंगे, किस में, एजुकेशनल गाइडेंस में। कि अगर ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड मैथ से इंटर कर रहा है तो मैं भी मैथ से इंटर करूँगा, नहीं, मेरा अगर बायो अच्छा है तो मैं बायो पढ़ूँगा, तो मैं सीबीएमटी में जा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब
उसमें क्या होगा कि आप जब बायो आप मैथ्स में चले गए और आपका मैथ्स वीक है तो आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, बायो आपका स्ट्रांग है, तो आप बायो स्ट्रीम में जाओ, बायो में अपना 100% हो, एक हमारी कंट्री को एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, हमारी सोसाइटी को अच्छा डॉक्टर मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल गाइडेंस ना, कि वॉट इज स्ट्रांगेस्ट पॉइंट इन इन यू, वॉट इज़ द स्ट्रांगेस्ट पॉइंट, उसको रिकोगनाइज करके उसको उसको हम मॉडिफाई करेंगे, जिससे कि आप अपना 100% दोगे, जिससे कि आप हमारी सोसाइटी हमारी कंट्री को एक बेहतर इंसान प्राप्त होगा। ठीक है, फिर मैन एडजस्टेड बिहेवियर, जैसे कि आप क्लासेस में जब आप जाओगे पढ़ाने तो बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके के होते हैं, कोई बहुत तेज सीखता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई हो सकता है हैंडीकैप स्टूडेंट हो, कोई किसी बच्चे को थोड़ा कम दिखता हो, किसी बच्चे को थोड़ा कम सुनाई देता हो, तो हम उसको एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर कम दिखाई दे रहा है तो हम उसको बता सकते हैं क्या कि तुम आगे आके आगे वाली सीट पे बैठ जाओ तो क्या होगा, तुम्हारा आगे अगर तुम आके बैठ जाओगे तो तुमको दिखेगा अच्छे से ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है तुम्हारी क्लास में। जैसे किसी बच्चे को सुनाई कम देता और वो पीछे बैठा है तो उसको हम आगे बैठा सकते हैं ना कि आप आगे बैठ जाओ तो आपको क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में होंगी, ये सब एजुकेशनल गाइडेंस में होंगी। फिर नेक्स्ट है इंडिविजुअल इवेल्युएशन। एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू हम हर व्यक्ति का हर बच्चे का क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में वो आगे की अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकता है, क्या कर सकता है, किस लाइन में अपना करियर बना सकता है। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूइंग प्रोसेस। एजुकेशनल गाइडेंस ज़िंदगी भर चलता है क्योंकि जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप सभी ने पढ़ा है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो हमेशा चलती है। और जब एजुकेशन हमेशा चलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी गाइडेंस भी हमेशा चलेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारा वो क्या है, वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है, वोकेशनल गाइडेंस जो होता है वो है, देखिए जैसे किसी भी क्षेत्र में किसी हर व्यक्ति, जैसा कि आपको पता है इंडिविजुअली डिफरेंट है, किसी के लिए कोई सेक्टर अच्छा है, किसी के लिए कोई सेक्टर अच्छा है, तो अगर हम अपने पसंद के, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के सेक्टर में अपना करियर बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे, तो हम अपना भी 100% ग्रोथ कर पाएंगे और जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उस संस्था का भी 100% ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ किस में आती है, ये वोकेशनल गाइडेंस में आती है कि जैसे हम लोग जब साल दो साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या कर सकता है बच्चा आगे। आप भी जब पढ़ाओगे आप भी जान जाओगे कि कौन से आपके क्लास का बच्चा किस क्वालिटी से, किस कौन सी क्वालिटी रखता है, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई गाने में अच्छा होगा, किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा, किसी का स्टैट्स अच्छा होगा, किसी की ड्राइंग अच्छी होगी, किसी का म्यूज़िक पेपर बहुत अच्छा होगा अगर वो म्यूज़िक लेता हो, तो वो किस लाइन में, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो उसको मैथमेटिशियन बनाने से बेहतर है, इंजीनियर बनाने से बेहतर है कि वो अगर आर्टिस्ट बने तो बेहतर इंसान होगा ना, वो खुश भी, खुद से भी खुश रहेगा और वो उसमें अपना 100% देगा, तो जहाँ भी वो अपना उसका डेवलपमेंट उसमें होगा। ठीक है, तो वोकेशनल गाइडेंस क्या है, वोकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू चूज एन ऑक्यूपेशन दैट सूट्स हिम बेस्ट। क्या है, जो उसको बेस्ट रूप में सूट करे, उस व्यक्ति को, उस ऑक्यूपेशन को, उस व्यवसाय को चुनने के लिए जो निर्देशन दिया जाता है वो कौन सा निर्देशन होता है, वोकेशनल गाइडेंस होता है, व्यवसायिक निर्देशन होता है। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन जो है क्रू एंड क्रो की, जो कि आपको पता है कि क्रो एंड क्रो जो हैं बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशन देखे लिखी है, वोकेशनल गाइडेंस यूजुअली इज इंटरप्रेटेड एज द असिस्टेंस गिवन टू द लर्नर्स टू चूज, प्रिपेयर फॉर एंड प्रोग्रेस इन एन ऑक्यूपेशन। ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस सामान्यतया क्या है, वो एक सहायता प्रदान करता है विद्यार्थियों को चुनने में, किसके लिए, अपने लिए व्यवसाय को चुनने में, जहाँ वो प्रोग्रेस कर सके,
जहाँ वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके, प्रोग्रेस कर सके, उस व्यवसाय को चुनने में सहायता करता है। कौन करता है? व्यवसायिक निर्देशन करता है, वोकेशनल गाइडेंस करता है। ठीक है, तो इसके बाद इनकी एक और डेफिनेशन जो है मायर्स की है, वो है क्या, वोकेशनल गाइडेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द इंडिविजुअल्स टू डू फॉर हिमसेल्फ सर्टेन डेफिनेट थिंग्स पर्टेनिंग टू हिज वोकेशंस। क्या है वोकेशनल गाइडेंस? इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ असिस्टिंग द इंडिविजुअल, व्यक्ति को, व्यक्ति की सहायता करने के लिए, व्यक्ति के सहयोग के लिए, टू डू फॉर हिमसेल्फ, कि वो अपने लिए क्या करें, सर्टेन डेफिनेट थिंग्स पर्टेनिंग टू हिज वोकेशन, उसकी जो निश्चित चीज़ें हैं उसको किस तरह से वो ग्रोथ करे कि उसको उसके जो जॉब में उसका ग्रोथ बना रहे। ठीक है, फिर इसकी बात वही नीड एंड इम्पॉर्टेंस हम देखें, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या होता है, तो नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, जो है पहला है रॉन्ग प्रोफेशन है इकोनॉमिक एंड साइकिक लॉस। देखिए, अगर हम अपने लिए मतलब हम गलत प्रोफेशन में चले जाएं जो कि हमें सूट नहीं करता है, या जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो हमारा क्या होगा वहाँ पे, वो हमारे लिए गलत प्रोफेशन होगा। फिर जब गलत प्रोफेशन होगा तो हम जब 100% नहीं देंगे तो कोई भी आपको फालतू में अपने यहाँ नहीं रखेगा। जब आप उसका उसको अपने प्रतिभाओं से प्रभावित ही नहीं कर पाओगे तो कोई व्यक्ति तुम्हें क्यों रखेगा अपने संस्था में, आप ही किसी को नहीं रखोगे अपने यहाँ, तो आपका क्या होगा इकोनॉमिक, अगर रखा भी तो भी आपको वो इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए, जो आपको रीइन्फोर्समेंट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इससे आपका जब वो नहीं मिलेगा तो आप मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाओगे। जब इंसान के पास, जब वो डिप्रेशन में रहता है तो क्या होता है, उसका मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है, उसका साइकोलॉजिकल लॉस होता है, क्योंकि कोई, जब आप कहते हैं ना कि जब आप खुश नहीं रहोगे तो आप सामने वाले को कैसे खुश रख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, अगर रॉन्ग प्रोफेशन चुनने से क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक और हमारा साइकिक दोनों लॉस होगा। फिर सेकेंड है हमारा क्या, इकोनॉमिक एडवांटेज। फिर वही चीज़ कि अगर हम अपने मनपसंद, अपनी योग्यता के अनुसार प्रोफेशन में हैं तो हम 100% अपना देंगे, हमारा इंटरेस्ट आएगा कि हम नया नया रोज़ रोज़ करें। जब हम नई नई चीज़ें करेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा, हमारा ग्रोथ होगा तो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उस संस्था का ग्रोथ होगा, तो संस्था हमें रीइन्फोर्समेंट देगी, वो रीइन्फोर्समेंट इकोनॉमिक भी हो सकता है, मोटिवेशनल मॉरली भी हो सकता है, मोटिवेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इकोनॉमिक एडवांटेज होगा। फिर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब आप अंदर से खुश रहोगे तो सामने वाले को खुश रख पाओगे, तभी आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि एक खुश व्यक्ति ही स्वस्थ होता है। ठीक है, तो जब आप, आपका साइकोलॉजिकली आप हेल्दी रहोगे तो आप खुश रहोगे, खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। ठीक है, फिर है पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज़ हमारे बने रहेंगे। मान लीजिए जब जहाँ पे हमें जो काम आता है वो करने के लिए हमें कुछ गलत काम नहीं करना पड़ेगा, या शॉर्टकट नहीं अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट के थ्रू किया गया काम हमें उसमें कमी की ओर ले जाता है, गर्त की ओर ले जाता है। हम कोई काम अपने हिसाब, अपने स्पीड में करें, एक परंपरागत तरीके से करें तो वो अच्छा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज़, जो हमारी योग्यता है उसका मैक्सिमम यूज़ होगा अगर हम अपने पसंद की, अपनी क्षमता के अनुसार जॉब में आएंगे तो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा जो गाइडेंस होता है उसके तीन टाइप्स, जो कौन कौन से होते हैं, पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस। इन तीनों के आपने अर्थ को समझा, इनकी आवश्यकताओं को समझा, इनके महत्व को समझा। अब आप लोग इस पे एक, इसका एक कंपैरेटिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो हम आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसको लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।